हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ यूनदर वीडियो। आज वीडियो हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट स्लोप ऑफ बिल्डिंग स्टेयरकेस। जैसे कि आप क्या बनाते हो, स्टेयरकेस बनाते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, वेट स्लैब ये आप ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वेट स्लैब की सेटिंग लगानी है जो नीचे होती है, ठीक है। तो वेट स्लैब की सेटिंग लगाने के लिए हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो थीटा है कितना है, कितना एंगल रहेगा, कितना डिग्री रहता है। अपने जो देखा होगा रेडियस, ठीक है, तो ये आपका कितना डिग्री रहता है, ये मिनिमम 45 सो समथिंग हो गया, ज़्यादा हो जाएगा, 30 डिग्री के मिनिमम आसपास रहना चाहिए। 30 डिग्री से कम या फिर 30 डिग्री थोड़ा मैनुअल ही होता है, वो इतना मिनिमम होना चाहिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें आप क्या करते हैं, फ्री स्टेप्स स्टेप्स क्या प्रोवाइड करते हैं इसमें, ठीक है। ये आप इसमें स्टेप्स प्रोवाइड करते चले जाते हैं। आप एक इसमें हम पूरे स्टेप्स में निकालेंगे, ठीक है। देखिए, हमारे पास एक स्टेप है, अगर हमें एक स्टेप है ये वाला, एक जो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगुलर है, इसमें हमें इन्हें क्या किया, ये क्रॉस किया, जो ये थीटा होता है, ये थीटा, ये वाला जो थीटा है, ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर होता है इसके अंदर, और जो ये एंगल है ये एंगल के बराबर होता है। क्लियर होता है। अगर ये 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है। और तीन एक त्रिभुज में तीनों कोनों का योग जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो इसमें देख लेते हैं, ये होगा हमारे पास 60, ये होगा 30, 60 30 90, 90 हो गया, और ये 90 होता है क्योंकि 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का होता है। अपना पढ़ा होगा 10वीं 12वीं, मोस्टली 8वीं क्लास में ही आ जाते हैं ये, ठीक है। ये हो गया, इसके अंदर भी हमने क्या, ये जो तीठा है ये वाला तीठा के बराबर होता है इस वाले के, तो ये छोटा कौन हो गया, ये वो भी छोटा कौन हो जाता है। तो ये कितना हुआ, ये 30, ये 60 और ये 90, तो 30 प्लस 60 प्लस 90, तो कितना होगा टोटल, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री, यही पर्पज है मेरा बताने का, कि जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइन लेन देते हैं, जो शटरिंग है हमारी, बॉटम है इसका, जो नीचे का कोण है, वो हमें कितना एंगल पे उठाना है ताकि हमारे जो स्टेप से बराबर चलते जाए। अब इसमें आप क्या करेंगे, शटरिंग लगाएंगे, शटरिंग शटरिंग कहाँ पे लगाएंगे, इसके नीचे लगाएंगे ना, वेट स्लैब पे, इस वाली स्लैब पे लगाएंगे आप। जो इसकी स्लैब की जो थिकनेस होती है वो आप पे डिपेंड करते हैं कितना लेते हैं आप। सपोज कीजिए मैं लेता हूँ 6 इंची, 6 इंची बराबर होता है आपके पास 150 mm, ठीक है, 25 छिका 150। तो जो ये एंगल है कहाँ से उठाएंगे आप, ये वाला जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, इसको आप कंक्रीट के अंदर ले लीजिए, ये आपकी जो क्या बोलते हैं रेनफोर्समेंट, जो आपका रेनफोर्समेंट है आपका फर्स्ट स्टेप के अंदर चला जाएगा। ऑलवेज क्या करते हैं, मोस्टली जो कंक्रीट स्लैब जो स्टेप के चढ़ाते हैं उसमें पहला स्टेप क्या करते थे, कंक्रीट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं ये कंक्रीट, इसमें क्या करते हैं, कंक्रीट के अंदर ही पहला स्टेप नीचे सार में सेटिंग लगा देते हैं, ऊपर बाद में इसमें कंक्रीट फिल कर देते हैं, ताकि जो पहला स्टेप है आपका कंक्रीट के अंदर चला जाए। और जो सेटिंग उठती है जहाँ पे स्टार्ट होती है आपकी, जो सेकंड स्टेप होता है, जो सेकंड स्टेप होता है उसके बिल्कुल सीधे से यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इसमें जो लास्ट में होता है, लास्ट में जो आपकी लैंडिंग होती है, जो जैसे लैंडिंग हुई तो लैंडिंग में जो दूसरा स्टेप होगा ये वाला, यहाँ तक मिनिमम ये वाला डिस्टेंस, ये आगे चले जाता है, ठीक है। बस ये ध्यान देना है कि जो कोना ये खिसक जाता है एक स्टेप आगे, यहाँ से भी एक स्टेप आगे हो गया, उधर से भी एक स्टेप हो गया, यहाँ पे ये लैंडिंग के अंदर चले जाता है, ठीक है। लैंडिंग के अंदर चले जाएगा तो यहाँ पे सेटिंग लगा देंगे, थोड़ा सेटिंग लगा देंगे, ये भी आपको कंक्रीट के अंदर एनफोर्समेंट प्रोवाइड हो जाता है, यहाँ पे एक बीम प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्लियर। ये हमने सेटिंग, हमें अब तीठा देख लेते हैं, आगे चलते हैं। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आपको एंगल समझ में नहीं आएगा, हमें निकालना कहाँ पे है, सेटिंग लगानी कहाँ पे है, और तीठा आएगा कैसे, कितना एंगल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने जो ये लिया है, ये आपको वही क्लियर किया है, ये हमारे पास जो स्टेप्स के अंदर होता है, जो हमारी स्टेप्स होते हैं, ये वाले जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स किसको बोलते हैं, जो एक राइजर होता है एक ट्रेड होता है, जो उनका दोनों कमीशन होता है उसका बोलते हैं स्टेप्स। इस कोने को भी आप गिन लेंगे स्टेप्स के अंदर, ठीक है, या फिर जो लास्ट में लैंडिंग में चले जाता है जो स्टेप्स, इसको स्टेप नहीं गिना जाएगा, ये आपका लैंडिंग के अंदर चले जाएगा, ठीक है। तो लैंडिंग कितने हुए टोटल स्टेप्स, क्लियर। तो ये कोना भी आपका स्टेप्स के अंदर जाता है। उसके बाद आपका राइजर कौन सा होता है, राइजर या फिर राइज, राइज ये होता है आपका पास जो जो उसकी कढ़ाई होती है, जो उसका थिकनेस होती है आपके स्टेप की, वो होती है आपकी राइजर, ठीक है। और जो ये वाला होता है जिसमें आप पैर रखते हो, वो होता है आपका रन या फिर ट्रेड, ठीक है। तो राइजर प्लस रन, इसको राइजर और रन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह का ये एक स्टेप हुआ आपका, एक कॉलम के एक स्टेयर के अंदर ये स्टेप हुआ। जब आप स्टेप लगाते हो तो उसके बराबर से इसके कॉर्नर से ही आप कंक्रीटिंग फिलअप करते हो, या फिर इसको सेटिंग लगा दीजिए, इसके नीचे से नीचे बिल्कुल पैरेलल जाएगी, जो सेटिंग जो कंक्रीट जाएगी वो पैरेलल जाती है। इसके नीचे हम प्रोवाइड कर दिया 6 इंची की स्लैब हो गई, तो वो पैरेलल इतनी मोटी ही जाएगी ना, तो वो स्टेप से टच करते हुए जाएगी स्टेप से। तो हमें क्या निकालना है, अब ये वाला जो सिस्टम है
ये वाला जो सिस्टम, ये कितना भी आगे बढ़ जाए ये सिस्टम है, तो ये वाला हमें निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल निकल गया ना, जैसे ये स्टेप हो गया आपका पहला, तो ये रेक्टेंगुलर हो गया है, तो इसमें हमें निकालना है ये वाला थीटा। तो कैसे होता है, जैसे कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, ये वाला, जैसे ये आपका रन होगा तो ये भी रन होगा, ये आपका राइजर है तो ये भी राइजर होगा, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, तो हमें निकालना है ये वाला थीटा। ठीक है, तो ये वाला थीटा निकालने के लिए इसमें क्या होता है, साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज क्या हो, कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम मुख्य उसमें होता है, तो उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है और ये आपके एंगल होते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज जो साइन थीटा होता है, ये वाला एंगल निकालने के लिए। और कोस थीटा होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और थेन थीटा होगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई, आपके पास परपेंडिकुलर है और बेस है, परपेंडिकुलर है एंड बेस है, आपको थीटा निकालना है ये वाला। ठीक है, तो ये थीटा निकालने के लिए अब चलते हैं। ठीक है, तो आपके पास है राइज, राइज हमारे जो राइजर है, जो स्टेप्स के अंदर जो राइजर होता है, मिनिमम कितना भी ले लेते हैं आप, मैंने लिया 150 mm। ठीक है, या फिर आप 7 इंची जैसे कि 175 mm कुछ भी ले सकते हैं, मैंने दोनों को सेम लिख दिया है, इसके बराबर काफ़ी होते हैं कि हमारे इंच बताइए, काफ़ी खोलते हैं हमें फीट इंच mm बताइए। तो रन हमारे पास हो गया रन, या फिर ट्रेड जिस पे आप रन करते हो, जिस पे आप स्टेप रख के चलते रहते हो, दौड़ते हो, वो आपका रन हो गया, या फिर ट्रेड, इसको ऑलमोस्ट ट्रेड, स्टेप्स के अंदर ट्रेड बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रेड होगा आपका 10 इंची का, तो 10 इंची में कितना होगा, 250 mm। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें स्लोप का फार्मूला होता है, हमें स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन स्लोप का जो फार्मूला होता है, तो हमें ये निकालना है स्लोप, इसका ये स्लोप कितना होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या निकलता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमारे पास परपेंडिकुलर है एंड बेस है, तो क्या निकालेंगे, थेन थीटा। तो थेन थीटा हमारे पास ये वाला है, थेन थीटा निकालने के लिए, वाला थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एक लंबाई पर परपेंडिकुलर आप डालते हैं तो परपेंडिकुलर हो गया, और बेस आपका नीचे, आयो हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस थ्योरम में निकालते हैं वो। तो थेन थीटा हमारे पास, थेन थीटा ये एंगल, अगर यहाँ पे जाके सपोज कीजिए यहाँ पे थेन 30 डिग्री है, तो हमें तो नहीं पता यहाँ डिग्री कितना है, तो यही निकालना है हमें, यही निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, तो थेन थीटा इक्वल टू 6/10। परपेंडिकुलर हमारे पास है, परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर को हमने कितना लिया था, राइज, ये आपके पास है राइज। ठीक है, और ये हमारे पास है रन या फिर ट्रेड। ठीक है, ये हमारे पास राइज है या फिर रन है, तो 6/10, तो थीटा हम निकालेंगे, यहाँ पे 10 की पावर कितनी है, यहाँ पे 10 की पावर +1 है, +1 है, तो इस इधर जाएंगे तो -1 कर देंगे। ठीक है, तो -1 कर देंगे यहाँ पे 10 की पावर -1, तो 6/10 को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 0.6 आता है, तो इससे इसको भाग कर देंगे तो 0.6 आता है। ये हमारे पास 6 क्या है, इंच है, और 10 क्या है, ये भी इंच है, तो 6 0.6 आ गया। तो थीटा हमारे पास जो थीटा आ गया है, तो 10 की पावर -1, जब हम कैलसी में निकालते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, अगर यहाँ पे करेंगे तो 10 क्या है, प्लस 10 प्लस है, और जब हम इसको शिफ्ट कर देते हैं, शिफ्ट के साथ हमें दबाना है ये वाला 10। ठीक है, 10 की पावर -1 आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0.6 है तो 0.6 कर देना है, सिंपल। ठीक है, 0.6 कर देना डायरेक्ट, और 10 की पावर -1 हो गया, हमने क्लिक किया, दोबारा लगा देता हूँ, शिफ्ट के साथ हमें दबाना है 10 -1 आ गया है, फिर गुना का, यहाँ पे गुना नहीं करना है, इसके साथ ही होता है थीटा एंगल, कितना है 0.6 इक्वल टू 30.96 एंगल, हमारे पास एंगल निकल गया कितना, 30.96, तो सिंपल 30.96 एंगल हो गया, या फिर 31 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, तो हम 31 डिग्री एंगल पे ये वाला जो स्टेयर केस का जो लैंडिंग चढ़ाई करेंगे। ठीक है, 30 डिग्री भी कर दोगे कोई मेंशन नहीं पड़ेगा वहाँ पे जाके, क्योंकि लास्ट में जाएगा एंगल, थोड़ा फर्क पड़ेगा, 31 डिग्री के ले लेंगे तो भी दो डिफरेंस चलेगा, 31 या फिर 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में मोस्ट ऑलमोस्ट रहता है। उसके बाद देख लेते हैं आपके दूसरे मेथड से, 150 या 250 से क्या ये भी ऐसे ही आता है। एक्चुअल हमारे पास टेन थीटा है, टेन थीटा हमारे पास यहाँ पे है, राइज अपॉन रन स्लोप का फॉर्मूला है, तो 150/250, ये हमारे पास क्या है, राइजर, राइजर अपॉन रन या फिर ट्रेड, इस लोगों का फार्मूला है, बहुत काफ़ी कुछ बता दूंगा इसमें। तो थीटा हमारे पास 10 की पावर -, ये 10 की पावर यहाँ पे +1 है, तो इधर जाके -1 हो जाएगा, तो 0.6, तो 31 डिग्री आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेटिंग लगाना स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए आपको, तो जो सेकंड स्टेप आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए सेटिंग लगाना,
और जो लास्ट में आपकी जो लैंडिंग जाएगी यहाँ पे, तो लैंडिंग के जो इधर जाता है तो इसमें आपको निकल जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर दीजिए, दूसरे स्टेप से आप स्टार्ट कर दीजिए बस डिग्री एंगल में, तो वो कहाँ पे जाए आपके वहाँ तक का इसको छोड़ देना है लैंडिंग के तक, ठीक है। तो टोटल स्टेप्स कितने हैं आपको वो जोड़ लीजिए कि फर्स्ट स्टेप सेकंड थर्ड, तो कितनी आपको डिस्टेंस तक लेना है। तो यहाँ से जितना डिस्टेंस स्टेप्स तक आएगा उस सेटिंग के बारे में बता दूँ, वीडियो भी आप क्लियरली से देख लेंगे, ठीक है। जब इसमें आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ कहाँ पर चलेगा, इसके अंदर यहाँ पर क्या कर देते हैं, बीम प्रोवाइड कर देते हैं इधर से, बीम के अंदर, जो बीम के अंदर इन्फोर्समेंट जाता है, ठीक है। या बीम के अंदर ऐसे चले गया, ठीक है, इधर से ऐसे बाहर जाएगा तो ऐसे नीचे चले जाएगा, इसके बाहर जाएगा इसमें भी ऐसे नीचे, ठीक है। तो ये आपका रेनफोर्समेंट कंक्रीट के अंदर डाल देते हैं या किसी के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते रहेंगे इसी तरह टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।